नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुर सिंह और आप देख रहे हैं सुर सिंह द ब्लॉग। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे इस स्टेशन के बारे में, आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ सोनवा का रेलवे स्टेशन। आपको तस्वीर में दिख रहा है, पीछे जो दिख रहा है नाम, यह स्टेशन हावड़ा मुंबई मुख्य रूट का है और यह चक्रधरपुर सब डिविजन के अंतर्गत आता है। ये जो आप देख रहे हैं दो मुख्य पटरियां, इसी में से यहां से ट्रेन सीधे निकलती है। ऐसे तो प्लेटफॉर्म चार हैं दोस्तों। यहां स्टॉपेज के नाम पर बस कुछ लोकल ट्रेनें रुकती हैं और एक आध दो एक्सप्रेस और सुपर फास्ट वगैरह जो एक्सप्रेस हैं वो सब यहां पर नहीं रुकता। के लिए ये सीढ़ी है और सीढ़ी से मैं चढ़ रहा हूँ। ऊपर से रेलवे स्टेशन का व्यू इस तरह है और ये सामने सीढ़ी और नीचे का। तो दोस्तों, अब चलते हैं टिकट बुकिंग काउंटर की तरफ। सीढ़ी से टिकट बुकिंग काउंटर का नज़ारा इस प्रकार है। अब मैं सामने आ गया हूँ और यहाँ गेट के ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लॉकडाउन के कारण यहाँ कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं रुक रही है, इसलिए यहाँ का जो वेटिंग रूम है उसका साफ सफाई नहीं हो रहा है। अभी अभी मैं काउंटर में जाके पता लगाया कि यहाँ जो रिजर्वेशन का टाइम है 8 से 2 बजे तक है, और आप तत्काल रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो एसी के लिए 10 बजे टाइमिंग है और सेकेंड क्लास तत्काल रिजर्वेशन के लिए 11 बजे। दोस्तों, पूरी तरह एकदम सन्नाटा है और उम्मीद करते हैं जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए और यह रेलवे स्टेशन पैसेंजरों से भर जाए और वही नज़ारा देखने को मिल जाए। ये है दोस्तों बरकंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों, अंदर जाके तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अब कोरोना काल है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त बेवजह नहीं दी जाती। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ प्रखंड कार्यालय। प्रखंड कार्यालय सोनवा थाना के ठीक सामने ही है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ आ सकते हैं और प्रखंड का काम करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, और आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।